आज एक नई शुरुआत होगी प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, और पब्लिक ने, मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हम लोगों का काम आज से शुरू होगा। और सरकार के गठन के तुरंत बाद जो तमाम वादे हमने किए हैं जनता से, उनको पूरा करने का काम चालू करेंगे। आज का दिन अहम है राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के वर्तमान के लिए, और हम सब लोगों को जो नई जिम्मेदारी मिल रही है उस पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, युवाओं को बेहद उम्मीदें आपसे, आप भी एक यंग नेता हैं। इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर नौजवानों की नज़र है, और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे हम लोगों को नौजवानों के लिए अवसर तलाशने हैं। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो नौजवानों की प्रतिभाओं को तलाश कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, जिसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जो हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो भविष्य है इस देश का, ये नौजवानों के कंधों पर निर्भर करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में, खासकर राजस्थान में, इतनी प्रतिभाएँ हैं, इतना टैलेंट है, और उनको सिर्फ अवसर की तलाश है। तो सही दिशा देना और लोगों को आगे लेकर जाना, इस पर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार। सचिन भले ही तेंदुलकर कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कई दफा जिताए। सचिन ने 5 साल मेहनत की, 21 सीटों से ऊपर लाके आगे किस तरह राजस्थान के लिए। हम लोगों को जब जो जिम्मेदारी मिली है उसको हमने पूरी मेहनत से निभाया है। 5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी तब ये सफर शुरू हुआ था। सब लोगों ने मिलकर काम किया है, और आज पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी जी ने हमको सरकार का हिस्सा होकर एक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का निर्देश दिया है, उसको पूरी ताकत से निभाएंगे।